नमस्ते पोकोयो। नमस्ते। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कैमरा। अरे अरे, ये पोकोयो क्या करना चाह रहा है? कभी पास से तो कभी दूर से ये पेड़ और कैमरा। पोकोयो, कुछ बताओगे? कुछ तो अच्छा है जो पोकोयो के दिमाग में चल रहा है। अरे वाह, कितना बढ़िया कैमरा है। बहुत खूब। वैसे अब इस कैमरे से और क्या तस्वीरें खींचोगे तुम? पहले इस तरफ, फिर उस तरफ, दाएं, बाएं, इधर उधर। ठीक है पोकोयो, तुम्हें सब तरफ एक अच्छे नजारे की तलाश करनी चाहिए। क्यों ना तुम किसी और बढ़िया चीज की तस्वीर लेने की कोशिश करो पोकोयो। अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी हार नहीं मानते पोकोयो? अच्छा, तो तुम्हें कुछ मिल गया। क्या आप में से कोई बता सकता है कि पोकोयो अब किसकी तस्वीर लेगा? एक सेब। फोटो लेने के लिए सेब बहुत बढ़िया चीज है। कैमरा? सही कहा पोकोयो, यहाँ रखा कैमरा आखिर गया कहाँ? मैं सोच रहा हूँ कि बस अभी यहीं तो रखा था, कौन ले गया? खोजो खोजो, पर ये उड़ता हुआ क्या आया? तस्वीर? देखो तो जरा। इस तस्वीर में तो है एक गुलाबी पैर। मुझे लगता है कैमरा ले जाने वाले ने सबूत छोड़ दिया है, वो हमारे साथ कोई खेल खेलना चाहता है पोकोयो। अगर हम सही से अंदाजा लगाएंगे तो हम उस कैमरे वाले तक पहुंच सकते हैं। वैसे गुलाबी पैर से मुझे कुछ शक हो रहा है पोकोयो, ये किसके हो सकते हैं? लूला। ये आई लूला। कैसी हो लूला? प्यारी डॉग लूला। ध्यान से देखो पोकोयो, जरा दिमाग लगाओ अच्छे से कि वो गुलाबी पैर किसका हो सकता है। आप लोग क्या सोचते हो, क्या ये वैसा ही है? बताओ। नहीं, मुझे भी यही लग रहा था। ये तो रहस्य है। पोकोयो वो देखो, एक और तस्वीर। अब ये और भी ज्यादा मजेदार हो रहा है। हाँ ये पहिए ही हैं, पर आखिर ये हैं किसके? ये तुमने सही पहचाना पोकोयो, पेटो अपना स्केटबोर्ड चला रहा है। तो अब पेटो की भी तलाशी करनी पड़ेगी। पहिए? तुम्हें क्या लग रहा है पोकोयो, क्या ये वैसा ही है? आप सभी का क्या सोचना है, आपको लगता है कि ये वही है? नहीं, ये क्या, न लूला के पास कैमरा है और न ही पेटो के पास। अब क्या करें पोकोयो, अब कैमरे का पता कैसे लगेगा? अरे ये क्या, फिर से कुछ उड़ते हुए आया। क्या है इसमें, देखो तो जरा। ये सही है। वैसे मुझे याद आ रहा है कि ठीक ऐसा ही बैग मैंने कहीं पहले देखा है। क्या तुम्हें याद है ऐसा नीले रंग का बैग किसके पास है पोकोयो? अरे ध्यान से देखो, मुझे लगता है तुमने ये देखा होगा पहले, कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। अब ऐसे हार मत मानो पोकोयो, हो सकता है तस्वीरों को फिर से देखने पर कुछ काम बन जाए। चलो देखते हैं। गुलाबी पैर, एक स्कूटर और नीले रंग का बैग। तो ऐसा कौन है जो गुलाबी पैर, एक स्कूटर और नीले रंग का बैग रखता है? क्या आप पोकोयो की मदद कर सकते हैं? क्या आप लोग जानते हैं कि ये सब किसके पास है? आखिर किस दोस्त के पास कैमरा है? एली।
हाँ, मुझे भी यही लगता है पोकोयो। मुझे लगता है एली ही हमारे लिए खेल खेल में ये सबूत छोड़ रही थी और कैमरा उसी के पास है। चलो उसे ढूंढ कर लाते हैं। कमाल कर दिया पोकोयो, तुमने ढूंढ निकाला कैमरा किसके पास था। बेहतरीन पोकोयो, एली सिर्फ खेल रही थी। अरे वाह, सभी की एक साथ तस्वीर, ये बहुत अच्छा आइडिया है। सब मुस्कुराओ, ये हुई ना लाजवाब तस्वीर। बाय, फिर मिलेंगे। देखो तो, पोकोयो, पेटो और एली इमारत बना रहे हैं। बारी बारी से ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रख रहे हैं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते। लगता है ये गिरने वाला है। बच गए, माफ करना। वाह, इसकी लंबाई तो देखो। बहुत खूब पोकोयो। अब बैठो, तुम्हारी बारी। क्या बात बैठो, क्या तरकीब है। पोकोयो की बारी हो गई, बैठो की बारी भी हो गई, तो अब किसकी बारी बची है। क्या तुम में से कोई पोकोयो को बताएगा अब किसकी बारी है। एली, अब एली की बारी है। एली इतनी खुश। वाह एली वाह। अरे नहीं, हे भगवान, ये तो काफी बड़ी झींक थी, है ना। ये हुई ना बात। चलो इमारत को फिर से बनाते हैं। तो अब पहली बारी है बैठो की। बहुत बढ़िया पैटो, अब बारी है एली की। ध्यान से एली, गिराना नहीं। एली, अरे बाबा रे, नहीं नहीं, लगता है एली पेड़ से छींकने वाली है। अरे नहीं। ओ, पेटो को तो गुस्सा आ गया। चलो कोई नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिर चलें। अब पेटो, पेटो एली को दिखा रहा है कि ये कैसे करना है। अरे ये तुमने क्या किया एली? पेटो, पेटो। आखिर ये पेटो कहाँ गया? क्या तुम्हें दिख रहा है पोकोयो? पेटो। तुमने ढूंढ निकाला उसे, बहुत अच्छे। वाह मेरे मेहनती दोस्तों, फिर से कोशिश। ये हुई ना बात। तुम्हारी बारी पेटो, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो?
हे भगवान, बेचारा पेटो, क्या तुम ठीक हो पेटो? ओ पेटो, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? पर पेटो, एली जान करके तो नहीं छींक रही है? इंसान और हाथी अपनी छींक पर काबू नहीं रख पाते हैं, ये कभी कभी आ ही जाती है। लगता है पोकोयो मदद करना चाह रहा है, ये बहुत अच्छी बात है पोकोयो। मुझे नहीं लगता एली की तबीयत कुछ ठीक है, तो शायद एली अभी खेलना नहीं चाह रही। वैसे सोचो तो कि अगर ये सही नहीं है तो इसे कहाँ होना चाहिए? क्या आप में से कोई बताएगा कि एली को ठीक होने कहाँ जाना चाहिए? बिल्कुल सही, एली को बिस्तर में जाना चाहिए। अगर तुम्हें सर्दी लग रही है तो तुम्हें बिस्तर पर आराम करना चाहिए। शायद अगर एली थोड़ी सी नींद ले ले तो वो बेहतर महसूस करेगी। बाय बाय। बिल्कुल, अब तुम अपनी इमारत बना सकते हो बिना किसी छींक के डर के। ओहो, लगता है एली की सर्दी पेटो को भी लग गई। संभल के पोकोयो, कहीं तुम्हें भी ना लग जाए। चलो अभी के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्दी ही। आज बहुत ही खुशनुमा और खूबसूरत दिन है जहाँ हमारा दोस्त पोकोयो रहता है। ओ हेलो पोकोयो। हेलो। अरे अरे, ये उड़ता उड़ता क्या आया है पोकोयो? क्या तुम जानते हो ये है क्या? क्या आप में से कोई पोकोयो को बता सकता है कि ये क्या है? छतरी। ये छतरी है। छतरी। हाँ, ये एक छतरी है पोकोयो। छतरी। बहुत खूब। और एक छतरी का इस्तेमाल? ओह अच्छा, तुम ये खुद पता करना चाहते हो, अच्छी बात है पोकोयो। अच्छा तो फिर, जैसे कि आज खूबसूरत खिलखिलाता थोड़ा बहुत हवादार दिन भी है। अरे नहीं। वो देखो, ये तो लोला है। ओ लोला, डर गए क्या? क्या हमारा दोस्त लोला नहीं जानता कि ये क्या है? कहाँ भाग गए दोस्तों? लगता है पोकोयो इससे खेलना चाहता है। खुला, बंद, खुला। हाँ, ये खुलता भी है और बंद भी होता है। बहुत अच्छे। अरे पोकोयो, अरे नहीं, तुम तो छतरी के साथ उड़ चले। ओ लोला, पोकोयो को पकड़ना होगा और तेज। ओह नहीं, अब तुम वहां से नीचे कैसे उतर पाओगे? ओह अब समझा। तो मैं कहा था खूबसूरत भी, पर कभी कभी थोड़ा हवादार दिन। ओ तो अच्छा पोकोयो, शायद तुमको इसे और ध्यान से देखना चाहिए।
कि एक छतरी का असल इस्तेमाल क्या हो सकता है। क्या तुम्हें भी क्वैक क्वैक की आवाज सुनाई दी? चुप जाओ। ओ हाँ पोकोयो, अच्छी तरकीब है। ओ, वो क्या है? नहीं पता। ओ, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये छतरी चल रही है? क्या सच में? सब ठीक है बेटो, तुम बाहर आ सकते हो। हेलो एली। शायद एली को पता हो छतरी किस काम आती है। अब ये एली कहाँ को चल गई, कुछ समझ नहीं आया। ये तो बहुत ही शानदार तरीका था छतरी को काम में लेने का। पर मुझे लगता है हमें इसे किसी और काम में लेना होगा, और वो भी जल्द ही। मुझे लगता है पोकोयो और उसके दोस्त भीगने वाले हैं। जब तक कि पोकोयो, क्या तुम कुछ भी ऐसा सोच सकते हो जो भीगने से बचा सके? क्या तुम में से कोई भी पोकोयो को बताएगा कि वो भीगने से कैसे बच सकता है? एक छतरी, छतरी। बिल्कुल सही पोकोयो, छतरियां भीगने से बचाती हैं। वाह वाह पोकोयो। तो जैसा मैं कह रहा था, पोकोयो और उसके दोस्तों के लिए आज है हवादार, छायादार, बरसाती, खूबसूरत और चमकदार दिन। आपकी और पोकोयो की मदद से अच्छा और साफ भी। चलो अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे।